इस पर बोलने का मौका दिया। मैं या हम सदन में फिर से आए या ना आए, आवाज हमारी यहाँ गूंजती रहेगी। लोग पूछे या ना पूछे, हमारी हमें आत्मा ये पूछती रहेगी। हमको जनता ने विकास और समस्या समाधान का सदन में आने का मौका दिया। अब हम खुद ही ये फैसला करें कि हमने विकास जनता का किया या हमारा विकास करके जनता को धोखा दिया। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब श्री श्री राम स्वरूप लांबा, एक मिनट पढ़ तो लियो साहब। मैं धन्यवाद दे दिया फिर कहेगा। टू द पॉइंट बोलूंगा, आज पहली बार ही तो मैं पहली बार टू द पॉइंट बोलूंगा। आप सुनो साहब, अरे महेंद्र जी साहब, देखो सुनो यार, क्यों आपने सात मिनट बोलना है, फिर क्यों यार पांच ही बोलो यार। अब कह भाई चार ही बोलो तो बोलवा हम फायदो खाई, वो तो गया इनको तो बारह घड़ा ही रोजी नहीं बोला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र मकराने में एक भी विकास का कार्य बजट में घोषणा नहीं की गई है। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र के मकराने की जनता के साथ घोर अन्याय है, धोखा है। महोदय, संगमरमर नगरी मकराने से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व होता है, जिसमें फिर भी मकराने को एक भी पैसा विकास का नहीं दिया। ये मेरे लिए और मेरी जनता के लिए दुख का विषय है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा क्षेत्र मकराने की समस्या समाधान विकास कार्यों की स्वीकृति के बाबत अनुरोध किया था, वो इस प्रकार है। मकराना तहसील के नए भवन की स्वीकृति के संबंध में गचीपुरा उप तहसील को तहसील क्रमण करने के बाबत, गजीपुरा गौण मंडी को कृषि उप मंडी समिति में की स्वीकृति एवं भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत रानी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमण करने के संबंध में, ग्राम बेसरोली हुए ग्राम घेलासर में 132 केवी जीएसएच निर्माण के संबंध में, ग्राम बूढ़सू में 3.15 एमवीए पावर ट्रांसपोर्ट की स्वीकृति के संबंध में, ग्राम पंचायत दूसरी के धानक्या नाडक में ओवर हेड पानी की टंकी निर्माण के संबंध में, नगर पालिका बोरावड़ से सबलपुर मामडोली बेसरोली खुर्द माताजी गेडा कल्ला गजीपुरा तक 30 किलोमीटर लंबी व 7 किलोमीटर चौड़ी डामरीकरण सड़क के बाबत में, शहीद हरिराम बागर बाईपास से जूसरिया बूढ़सू बरनाई नांदोली चांदावत गेलासर 30 किलोमीटर व 7 मीटर चौड़ी डामरीकरण के बारे में, मकराना में खोले गए महाविद्यालय के भवन निर्माण के बारे में, ग्राम सबलपुर से नांदोली मेड़तिया नांदोली दांदोली ततारपुरा कुचीपड़ा गेड़ीशिला और बाजोली में 25 किलोमीटर व 7 मीटर सड़क डामरीकरण निर्माण के बाबत आपके द्वारा बजट सत्र 2022-23 में घोषित कुचामन डेगाना एमडीआर सड़क से कालवा बड़ा से डेगाना तक 30 किलोमीटर वित्तीय स्वीकृति के बारे में, विधानसभा क्षेत्र मकराने के राजकीय प्रथम श्रेणी चिकित्सालय बागरों की ढाणी मकराना, ये पशु माननीय कृषि मंत्री जी को मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र मकराने के राजकीय प्रथम श्रेणी चिकित्सालय बागरों की ढाणी जो मेरी ढाणी है मकराना एवं पशु चिकित्सालय भींचावा के भवन निर्माण के बारे में वित्तीय स्वीकृति के बारे में, राजकीय पशु चिकित्सालय बूढ़स के प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने के बाबत, जिसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी से मोदी जी से मैं दिनांक 25/1/23 को पत्र दे चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से बजट में शामिल करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृषि व पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार को विधानसभा क्षेत्र मकराने में निम्न स्थानों पर कृषि पर्यवेक्षक को पदस्थापित करने के साथ ही चश्मा कट गए वो मन कम दिखे उधर ही किसान केंद्र स्वीकृति बाबत पत्र प्रेरित किया गया था, साथ ही किसान सेवा केंद्रों की स्वीकृति बाबत प्रेरित किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत ईंटावाला का भैयाकल्ला बरनाई कुकड़ो दूसरी देवरी सपेड़ बड़ी दांदणवा रानीगांव लोरोली काशीनगर मोड़ी चाड़ना सबलपुर मामडोली नीमड़ी खारड़िया केड़ीशिला होड़िया डोबड़ी कल्ला में किसान सेवा केंद्र खोलने के आग्रह किया गया था, मैं अब भी कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भवन विहीन पशु चिकित्सालय संस्थाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत निम्न स्थानों के प्रस्ताव प्रेषित किए गए है, जो इस प्रकार है। उपकेंद्र बरवाड़ी जूसरी नांदोली मेड़तिया बाजोली बीलू कचोड़िया है, उपकेंद्र विवेचपुर रामसिया मिंडकिया उपरोक्त संस्थाओं के भवन निर्माण के लिए पट्टा भू स्वामित्व दस्तावेज उपनिदेशक
पशुपालन विभाग कुचामन सिटी के कार्यालय में सरकार के पक्ष में स्थानांतर कर दिया गया है। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र मकराने के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पशु चिकित्सा के लिए कोई केंद्र नहीं होने के कारण पशुपालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। दो एक आग दो सभापति जी बैठान दीजिए मन। इसके लिए उपकेंद्र खोलने बाबत माननीय मंत्री जी मोदी से मैं प्रेषित किया गया था, जो इस प्रकार है, ग्राम चांडी जाखली जुसरिया धांधनवा देवरी और भरनाई। सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं निवेदन करता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में बिंदु संख्या 28 ब्लॉक 23 के अनुसार प्रत्येक गाँव पंचायत मुख्यालय पर स्थित एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक मेरे क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायत लोरोली की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, जिसकी मैं आशा रखता हूं आपसे कि उसको घोषणा करे, जिसकी तरफ से पत्र। महोदय जी, मेरे क्षेत्र में उप तहसील गचीपुरा की पताशी देवी अग्रवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण यहां अध्ययनरत बालिकाओं ने विद्यालय के दरवाजे पर धरना देकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों को वापस प्रतिस्पर्ध करने के आग्रह में मैं स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर मैंने निवेदन किया कि जो अध्यापक स्कूलों में कम है वो आज तक उनकी पूर्ति नहीं हुई, मैं चाहता हूँ स्कूलों में अध्यापक लगाया जाए। मैंने शिक्षा मंत्री जी पत्र प्रेषित करके मेरे विधानसभा क्षेत्र मकराने में अनेक प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय सभी विद्यालयों में जो अध्यापकों की कमी है उनके बारे में निवेदन किया, वो उनको उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के बाबत आग्रह किया था। महोदय, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में अनेक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने के संबंध में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी में पत्र प्रेषित करके निम्नलिखित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कृषि संकाय खोलने की मैं प्रार्थना करता हूं। जाखली, मकराना, गचीपुरा, बेसरोली, जूसरी, बाजोली, नांदोली, मेड़तिया, मन्नाना, रानीगांव, इटावा, लाखा में नई कृषि संकाय खोलने की मांग करता हूँ। अध्यक्ष मोदी जी, मैंने पूर्व में ग्राम मन्नाना एवं बूढ़सू में खेल कम्प्लेक्स के खोलने की मांग की थी, मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी। गचीबरा में जो दूर दूर के कई गांव हैं उसमें कॉलेज खोलने की मैं निवेदन करता हूं। चौरानवे गांव के नाम लिए आपने, चौरानवे 94 नहीं 60। आप दो मिनट जल्दी रखिए अपनी बात। मैं अब काम की बात करें तो बोलूँ साहब, मैं बाकी तो मैं ताकि डर तो मैं कविता वविता तो बंद ही कर दी। महोदय जी, मेरे क्षेत्र में कई ग्राम ऐसे हैं जो अब तक स्वास्थ्य से वंचित है, संबंधित सेवाओं से वंचित है। क्षेत्र में अनेक जगह पर उस स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है लेकिन आज तक भवनों से वीन है। मैं महोदय जी आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री से आग्रह करता हूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र नावद मामडोली, शिवनगर, बेसरोली, शिव मंदिर, कुचामन रोड, जूसरी, आदर्श नगर, जूसरी, भैयाकला, अमृतसर, विजयपुरा, कुकड़ोद, पुरोहितों की डाणी, जूसरिया, गिंगड़िया, गुणावती एवं शिणिया के में भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाए, जिसमें यहां के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मरीजों को देखने के लिए एक स्थायी जगह मिल सके। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में अनेक उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाने की जरूरत है। मैं ग्राम ईटावाला का, भरनाई, घिंगाड़िया, हिंदोगा, बाजोली, खारडिया, जबलपुर, देवरी, आसरवा, बरवाड़ी, बरवाड़ा एवं मेंढकिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से मैं क्रमोन्नत करने की मांग। मैं मेरे क्षेत्र में अब साहब एक डेढ़ मिनट की बात हो रही है, मैं मेरे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीगांव, जाखली, मन्नाना, जूसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गचीपुरा को 30 बेडों से बढ़ाकर 50 बेड क्रमोन्नत करेंगे जाए। एक लास्ट 30 सेकंड मुझे और दे दीजिए, 30 सेकंड। गाँव में इस वक्त बिजली का संकट है, रबी की फसल तैयार हो रही है, आप कृपया बिजली दीजिए और जो इस बरसात खराबे में से जो किसानों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा दीजिए और पेपर लीक में जो बच्चों के साथ में आपने जो भविष्य बर्बाद किया उसका बच्चों का और उनके परिवार का तो शराब लगेगा, आप शराब से चले जाएंगे। अब बैठ जाऊं, ज्यादा खाई करूँ।